नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मैं बनूंगा करोड़पति, जो कि महाबली भोकाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे कस्टमरों को पता बताने के लिए फोर्स नहीं किया जाता। हमें तो सिर्फ उसके अकाउंट में उसकी कमीशन जमा करा देनी होती है। मज़े की बात यह है कि हमारी जब फ़ोन पर पता जानने के लिए उस कस्टमर से बातें हुई, तो उसने बड़े ही रहस्यमय ढंग से हमें अपना अकाउंट नंबर बताते हुए कहा कि मेरा अकाउंट नंबर ही मेरा पता है, जानना चाहो तो जान लो। अकाउंट नंबर ही पता है, कमाल है। क्या मैं वो अकाउंट नंबर जान सकता हूँ? 172 उसका अकाउंट नंबर है, यह तो ठीक है, लेकिन 172 उसका पता कैसे हो सकता है? 172 उसके मकान का नंबर है, उसकी गली का नंबर है, उसके रोड का नंबर है, उसके शहर का नंबर है, या उसके मोहल्ले का नंबर है? है 172 उसके पते का नंबर है, लेकिन 172 के रूप में नहीं, 172 के रूप में। यानी अगर हम इन तीनों अंकों को अलग अलग करके आम बोलचाल में बोले तो बनता है 172। कॉनॉट पैलेस में स्थित ए ट्विन टावर के नाम से प्रसिद्ध दो बिल्डिंगें हैं, जो देखने में दोनों एक सी हैं, यानी 172 हैं। और एक के टॉप फ्लोर पर मुझे नजर आ रहा है बोझ पहली छनाक। आह तिरंगा, तो यहाँ भी पहुँच गया। पहुँचना ही था, जहाँ तुम जैसा अपराधी होता है वहाँ तिरंगा को पहुँचना ही होता है। धाड़ हैं, आह अच्छा हुआ तू यहाँ पहुँच गया, कम से कम तूने आकर जित्सा और पजल नाम के इन दोनों रोबोट्स को तो काम दे दिया, जिन्हें मैंने भारी रकम देकर खरीदा था, और जो बेकार ही पड़े पड़े जंग खा रहे थे। ये दोनों एक पहेली है तिरंगा, जो तेरी जिंदगी की पहेली को इतना उलझा देंगे कि वो मौत की बाहों में जाकर ही सुलझेगी। वैसे मैं तुझे बता दूं कि तेरे यहाँ पहुँचने से मेरा डायल करोड़ वाला गेल वैसे मैं तुझे बता दूं कि तेरे यहाँ पहुँचने से मेरा डायल एक करोड़ वाला खेल खत्म हो गया है, इसलिए मुझे अपनी पहेलियों की मदद से रुपया कमाने का दूसरा खेल खेलना होगा, उसकी बदौलत जो सारी दुनिया को करोड़पति बनाता है। बोझ पहेली यहाँ से भागने की फिराक में है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उफ, तिरंगा बोझ पहेली को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि दोनों रोबोट्स ने उसे कुछ करने नहीं दिया। उफ, इन दोनों ने तो मुझे बुरी तरह जकड़ लिया है, और जकड़ने के साथ ही ये दोनों मुझ पर अपनी खतरनाक लेजर बीम से हमला कर रहे हैं। इनसे छूटा नहीं तो जान जाएगी, लेकिन इनसे जान बचाने के लिए करूं तो क्या करूं? इनकी धातु इतनी कठोर है कि मेरी ढाल से नहीं कट रही। इन दोनों की खतरनाक लेजर बीम्स एक दूसरे से टकराए तो काम बन सकती है, नहीं बना। एक दूसरे के वारों से सुरक्षित है इनका शरीर, ये पावर बैटरी से चल रहे हैं। इनमें शॉर्ट सर्किट करना होगा, और इसके लिए इस्तेमाल करना होगा पानी। ओह नहीं, पानी डालकर शॉर्ट सर्किट करने वाला आइडिया भी फेल हो गया। अब क्या करूं? जिक्सा और पजल नाम के इन रोबोट का, जिक्सा और पजल, ओह कहीं इनके नाम में ही तो इनको शांत करने की पहेली नहीं छुपी। बिल्कुल यही बात है, एक तो इन दोनों के शरीर ही जिक्सा पजल के टुकड़े जैसे हैं, और दूसरे मैंने उन्हें एक झटके से अलग होकर सक्रिय होते देखा था। यानी अगर मैं इन दोनों को जिक्सा पजल के टुकड़े की तरह मिला दूं तो ये दोनों शांत हो सकते हैं, और ये काम मुझे हर हाल में करना ही होगा अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो। जान बचाने का रास्ता सामने दिखते ही तिरंगा के शरीर में नया जोश भर गया, और वही नया जोश तिरंगा को सफलता के दरवाजे पर लेकर पहुंचा। अब तिरंगा आजाद था, मैंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन बोझ पहेली फिर निकल गया। हालांकि वो अपने पीछे एक पहेली छोड़ गया है, जिसके मुताबिक अब वो अपना नया अपराध उसकी बदौलत करेगा जो सबको करोड़पति बनाता है। और जिस तरह उसने ऊपर उंगली करके ये बात कही थी कि उससे तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि अब वो अपराध करेगा ऊपर बैठे उस भगवान की बदौलत जो सबको करोड़पति बनाता है। तिरंगा ने अपनी समझ से वो पहेली हल कर ली थी, लेकिन सुबह होती उसे पता चला कि वो कितनी बड़ी गलती पर था। ओह नो, मैं बोझ पहेली की पहेली से मात खा गया।
मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था टीवी पर आने वाले सीरियल आप बनेंगे करोड़पति के प्रसिद्ध एंकर अमित बच्चन सभी को करोड़पति बनाने की बात करते हैं और बहुत पहले उनका अपहरण करके ही करोड़पति बनना चाहता है। मुझे इस विषय में जल्द ही मिलना होगा स्टार प्लस चैनल वालों से। दिन भर बेचैन रहा भारत और रात होते ही हमें अमित जी के सिलसिले में 15 करोड़ रुपए की फिरौती देने का ये लेटर मिला है। रुपया कहाँ पहुंचाना है इसके बारे में इस लेटर में उल्टे सीधे शब्दों के सिवा कुछ नहीं लिखा। 5 जलाशय 5 सितारे उसके पीछे आ जा प्यारे, ये उल्टे सीधे शब्द एक पहेली है उस जगह की जहाँ मौजूद है अमित बच्चन और बोझ पहेली। शो की हॉट सीट पर बैठकर आप सबके सामने शो की हॉट सीट पर बैठकर आप सामने वाले से 15 प्रश्न पूछते हो और उसे 1 करोड़ रुपया देते हो, लेकिन मैं आपको हर प्रश्न पर 1 करोड़ रुपया दूंगा। मैं आपसे 15 पहेली पूछूंगा, जितनी पहेलियों का आप जवाब दे दोगे आपकी 15 रुपये 15 करोड़ की फिरौती से उतने ही करोड़ कम हो जाएंगे। तो आइए हम और आप खेलते हैं मैं बनूंगा करोड़पति। आपकी पहली पहेली, आकाश में जब सूरज नहीं निकलता तो क्या निकलता है? नहीं बता पाए कोई बात नहीं, बताइए 4 चांद कैसे लगते हैं? दिल्ली में अमीर का कहाँ है? जो रात दिन चलती ही रहती है उसे क्या कहते हैं? आपका नाम अमित बच्चन क्यों है? मेरा नाम बोझ पहेली क्यों है? अरे आप तो मेरी एक भी पहेली का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, घबरा क्यों रहे हैं? अरे संयम रखिए, जनता से पूछ लीजिए, 50-50 कर लीजिए। अच्छा मेरी मानो, फोन ए फ्रेंड लाइफलाइन का इस्तेमाल करके उन्हें 15 करोड़ रुपए लेकर जल्दी यहाँ पहुँचने की बोल दीजिए, नहीं तो लाइफलाइन हमेशा के लिए कट जाएगी। नहीं कटेगी, ये लाइफलाइन कभी नहीं कटेगी। आह हे भगवान, तिरंगा तू आदमी है या शैतान, यहाँ भी पहुँच गया। किसने पहुँचाया तुझे यहाँ? तुम्हारी 5 जलाशय 5 सितारे उसके पीछे आ जा प्यार वाली पहेली में छिपे क्लू ने, जिसका मतलब है पंचकुया रोड पर स्थित 5 स्टार होटल के पीछे वाला ये स्थान। अब मैं तुझे ऐसे स्थान पर पहुंचाऊंगा जहां तुम्हारी सारी पहेलियों का अंत हो जाएगा, और ये तो तुम जानते ही हो, ऐसी जगह है सेंट्रल जेल। नहीं तिरंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा, और तुम मुझे वहां ले जाने की गलती भी मत करियो, क्योंकि अगर तूने ऐसा करने के लिए मेरी तरफ कदम बढ़ाया तो अमित बच्चन के रूप में देश का एक फेमस स्टार अल्लाह का प्यारा हो जाएगा, क्योंकि जिस हॉट सीट पर वे बैठे हैं वे सचमुच हॉट सीट है। इतनी हॉट कि अगर मैं इस रिमोट का स्विच दबा दूं तो अमित जी को वो सीट 2 सेकंड में ही जलाकर राख कर दे, और मैं ऐसा करूंगा भी अगर तुमने मुझे छुआ तो। ओह भूत बनकर खड़ा रहने के सिवा कुछ ना कर सका तिरंगा। जबकि बोझ पहली, तूने मुझे हरा दिया तिरंगा, लेकिन मेरी आज़ादी सही सलामत है, यही मेरी जीत है, इसलिए अपने इस आज़ादी को लेकर मैं फिलहाल जा रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूं इन साधारण पहेलियों से तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तेरे लिए तो ऐसी पहेलियां खोजनी होगी जिनसे फंसकर तेरी सांसें दम तोड़ दे। ऐसी पहेलियां खोजकर मैं लौटूंगा, जल्द ही लौटूंगा। एक बात और बता दूं तो मेरे पीछे आने की जगह अमित जी को बचाने की सोचियो, क्योंकि मेरे जाने के 2 मिनट बाद ये हॉट सीट हॉट होना शुरू हो जाएगी, और अगर इस हॉट सीट से अमित जी को बचाने का जो विचार है तेरा तो करते प्यारे घोर अंधेरा। अब ये तेरी मर्जी है कि तू अमित जी को बचाना चाहता है या मेरे पीछे आकर मुझसे उलझना। मौज पहरी चलता बना तिरंगा ने उसका रास्ता नहीं रोका। रुकता भी कैसे, उसे अमित बच्चन की जान जो बचानी थी। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, इन 2 मिनटों को मैं बूझ पहेली के पीछे जाकर जाया नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बूझ पहेली की तरफ से ध्यान हटाकर उसकी उस पहेली का हल ढूंढना होगा जिससे अमित जी की जान बचाई जा सकती है, और वो पहेली है अमित जी को बचाने का जो विचार है तेरा तो कर दे प्योर घोर प्यारे घोर अंधेरा। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं यहाँ अंधेरा करके अमित जी को बचा सकता हूँ, लेकिन कैसे? अंधेरा करके अमित जी की जान कैसे बचेगी? बचेगी, ये हॉट सीट बिजली से ही गर्म होगी। अंधेरा करने का मतलब है यहाँ की बिजली को काट देना। अगर बिजली कट जाएगी तो सीट गर्म ही नहीं होगी, और यहाँ की बिजली काटने का सबसे अच्छा तरीका है यहाँ शॉर्ट सर्किट कर देना। चिटर चिटर,
अब ठीक है, अब मेरे पास काफ़ी समय है, मैं आराम से अमित जी को उस हॉट सीट से अलग कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही 2 मिनट गुजरे, ओ नो, अमित जी की चीख बता रही है कि उनकी हॉट सीट हॉट होना शुरू हो गई है, यानी बूझ पहली गलत पहली देकर मुझे मूर्ख बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बूझ पहली गलत पहली देकर जाए ये उसकी फितरत में शामिल नहीं है। मैं ही उसकी पहली का सही हल नहीं खोज पाया हूँ, मुझे उस सही हल को ढूंढना होगा। अमित जी हॉट सीट पर जलकर राख हो जाएं उससे पहले ही। अरे, वो अंधेरे में पतला सा क्या चमक रहा है जो कहीं बाहर से आकर अमित जी की हॉट सीट तक चला गया है? ओ, वो पतली सी चमकती लाइन, वो तार है जिससे कहीं बाहर से इस हॉट सीट में बिजली सप्लाई की जा रही है। तभी यहाँ की बिजली कट जाने के बाद भी हॉट सीट का गर्म होना बंद नहीं हुआ। लेकिन अब मैं बाहर से हॉट सीट का बिजली सप्लाई करने वाले इस तार को काट रहा हूँ। अब तिरंगा के पास समय था कि वो अमित बच्चन को हॉट सीट से आज़ाद करता करता चैन की सांस ले सकता था। लेकिन कब तक? इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।